हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास नाइन्थ का ये चैप्टर है आपकी, और इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आपके साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्लाउड देखा, ठीक है। तो क्लाउड में क्या हो रहा था कि बिजली कड़क रही थी, थंडरिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है। तो उस बीच में उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा क्लाउड में हो सकता है, नेचर में हो सकता है, तो ऐसा साइंस के ज़रिए भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक लैब, अपनी लैब में रिच थे वो, तो उनके पास पैसे की तो प्रॉब्लम थी नहीं, तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली कर लिया। तो उन्होंने क्या देखा, लैब में उन्होंने एक ये कैथोड रे ट्यूब ली, ठीक है। उसके बाद उसको कैथोड और एनोड दोनों ही थिन जो प्लेट है उससे प्रोवाइड किया, एक बैटरी लगाई उसमें और एक H2 गैस ली, ठीक है। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, ये आपका क्लाउड है, तो यहाँ पर इस क्लाउड में, इस क्लाउड में जो मीडियम था, मीडियम जो था वो प्रेशर जो था इसका प्रेशर लॉ था। तो ऐसा ही मीडियम जो जे थॉमसन ने क्लाउड में देखा था, यही प्रेशर लॉ, पोटेंशियल एनर्जी हाई, यही लैब में उन्होंने प्रोवाइड करवाया, जो आपकी कैथोड रे ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर लॉ होना चाहिए, इस क्लाउड के अंदर था, तो हमारी जो CRT उसमें भी प्रेशर लॉ होना चाहिए। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो थी, वो हाई थी क्लाउड के अंदर, ये सब क्लाउड के अंदर का मीडियम है, ठीक है, हाई। तो ऐसी ही इन्होंने सोचा, जब ये क्लाउड में हो सकती है तो हम लोग इसको लैब में भी कर सकते हैं। तो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी क्या मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, इन्होंने एक ये जो ट्यूब है CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, तो इसमें जो है इसमें प्रेशर को लॉ रखा, जैसा हमारा क्लाउड में हो रहा था, जैसे इन्होंने क्लाउड में देखा था वैसे ही प्रेशर लॉ रखा। पोटेंशियल एनर्जी क्या की, इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को हाई रखा। अब एनर्जी को हाई कैसे रख सकते हैं, इसमें कुछ बाहर से सोर्स यूज़ करना पड़ेगा आपको एनर्जी का। तो इन्होंने जो एनर्जी का सोर्स यूज़ किया वो बैटरी थी, बैटरी से इन्होंने 10,000 वोल्ट का जो हाई एनर्जी है, ठीक है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है, 10,000 वोल्ट का बैटरी से इन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, जिससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई हो गई CRT में, कैथोड रे ट्यूब में। तो जे थॉमसन ने सब इसी टाइप से, जो क्लाउड में जैसा मीडियम था, जैसी सिचुएशन थी, वैसी इन्होंने यहाँ किया, ठीक है, CRT में। तो हम लोग अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो आपके ब्लैक कलर से बनी हुई है पूरी, ये कैथोड रे ट्यूब है, और यहाँ पर कैथोड जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पर 10,000 वोल्ट की बैटरी है, ये जो बैटरी यहाँ पर लगी ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, और ये कैथोड से अटैच्ड है इसलिए कैथोड पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो बैटरी है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर एनोड भी नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव है। ये जो प्लेट है एनोड की, जो थिन प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज हुई, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच्ड है, ओके। और यहाँ पर जो CRT कैथोड रे ट्यूब, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल है, पूरे ट्यूब में हाइड्रोजन गैस में भर दी गई, ठीक है, और इसमें जो प्रेशर था वो लॉ रखा प्रेशर को, और पोटेंशियल एनर्जी तो बैटरी से हाई कर दी इन्होंने, और यहाँ पर जो करंट है, करंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर दी, बैटरी ने करंट को इसमें
पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट फ्लो होने लगी। ओके तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है बीच में, क्या इसमें भी करंट फ्लो होगी? क्वेश्चन ये है आपका कि अगर यहाँ से ये जो वायर जा रही है, अगर ये क्लोज्ड लूप है, जो करंट होती है वो क्लोज्ड लूप में फ्लो होती है, तो ये क्या पूरा क्लोज्ड लूप है? यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? तो आंसर है इसमें करंट फ्लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, आयोनाइज्ड होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी। तो ये जो H2 गैस है, यहाँ पर H2 गैस है, इसका जो एटमिक स्ट्रक्चर है ये है, दो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन से एक एटम से 1H+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। ठीक है, तो उस टाइम में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो ये डिस्कवरी कर रहे थे, इन्हें पता नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है या नहीं, इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी कर रहे थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जब आयोनाइज्ड हुई तो H+ इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो, तो यही इलेक्ट्रॉन और ये जो H+ है यही कंडक्टिंग पावर क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो करंट की जो क्लोज्ड लूप है उसको पूरा कर रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो कैथोड ट्यूब है, थिन शीट प्लेट है, यहाँ पर ये एनोड है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर H2 गैस होने की वजह से, H2 गैस का कंडक्टिंग नेचर होने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है पूरे में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड जो होती है उससे पूरी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड से ये पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया जो है जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी, ये पूरा एरिया की। तो यहाँ पर जब जिंक सल्फाइड से कोटिंग हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड से कोटिंग हो गई, तो ZnS की, ये ZnS है यहाँ पर इसकी, इससे कोटिंग की, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है फास्फोरिसेंट की। ठीक है, तो चमक, जिसे चमक कहते हैं, जब ये रेज जो H++ इलेक्ट्रॉन से एक रेज निकल रही थी, H+ जो था वो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था और इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इससे जो डायरेक्शन से ये अब मतलब कुछ टकरा रहा था ZnS की प्लेट से। ठीक है, ZnS की कोटिंग हो रही थी, उससे टकरा रहा था, तो एक शाइनिंग, एक चमक पैदा हो रही थी, एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा था, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर बहुत सारे ब्राइट स्पॉट जनरेट कर रहे थे, तो पूरी जो ये ट्यूब थी ZnS की कोटिंग की, ये जो पूरी ट्यूब थी ZnS की कोटिंग की, तो वो ना चमक दे रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने ये पूरा क्लाउड का मीडियम प्रोवाइड कराया, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ, ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, उन्हें अभी पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रेज है किस तरह जा रही है, तो उन्होंने अपने इसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने क्रॉस एक्सपेरिमेंट देखा, वही थी CRT है, ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने गले में से लॉकेट उतारा और उसको CRT में फिट कर दी कैथोड रे ट्यूब में। तो ये जो क्रॉस है, ये लॉकेट जो है, ये क्या कर रहा था, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर ये कैथोड हो गया, ठीक है, ये कैथोड हो गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये आपका एनोड हो गया नेगेटिव। तो इस तरह ये यहाँ है, ठीक है, तो एनोड आपका नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, और कैथोड आपका पॉजिटिव हो गया। तो इन्होंने देखा कि जो शेडो आ रही है, एक शेडो लॉकेट की जो शेडो आ रही है वो एनोड की तरफ जा रही है, जैसे ये जैसे यहाँ से अगर मेरे ऊपर से लाइट आ रही है तो वो मेरे पीछे शेडो बनाएगी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर एनोड पर अगर शेडो बन रही है तो जाहिर सी बात है कुछ रेज जो है वो इधर से आ रही हैं, ठीक है, कैथोड से, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रेज रख दिया। जब ये क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है,
तो हमारा जो कंक्लूजन निकला, हमारा रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पर जो लॉकेट था तो वो एनोड पर शेडो बना रहा था, तो हमें आइडिया हुआ कि कोई कुछ ना कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से निकलेंगी। ठीक है, तो जो हमारी जैसे यहाँ पर बल्ब है, ठीक है, तो ये आपकी, तो यहाँ पर लाइट आ रही है, इधर से सामने से लाइट आ रही है, तो इसकी जो शेडो आएगी वो पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो पीछे शेडो बनेगी। तो इसी तरह जब एनोड पर शेडो बन रही थी लॉकेट की, ये जो क्रॉस है इसकी शेडो एनोड पर बन रही थी, तो वो कैथोड से कुछ रेज आ रही थी। तो क्योंकि ये कैथोड से आ रही थी रे, तो इसीलिए इस रेज को कहा कैथोड रेज। ठीक है, तो रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये बात यहाँ क्लियर हो रही है क्रॉस एक्सपेरिमेंट से। ओके, अब आ रहा है हमारा पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पर आपने काफ़ी, जब आप छोटे होंगे चाइल्डहुड स्टेज में, खैर अभी भी हैं आप, तो आप जब छोटे थे तो आप एक पंख, मतलब एक कागज़ का फैन बना हुआ होता था, ठीक है, और उस पर एक स्टिक लगी होती थी, तो आप भागते थे तो फैन वो जो था कागज़ का वो घूमता था। तो बचपन में सबने किया होगा ये, तो वो जो है उसी टाइप का एक फैन था, ये जो है यहाँ पर एक फैन था। ठीक है, इस तरह का फैन था। जब इसमें एयर एयर जाती है वो क्यों घूमता है, एयर जाती है, एयर किससे बनी होती है, पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स से। ओके, तो पार्टिकल जब यहाँ टकराते हैं तो ये मूव कर जाता है, ठीक है, रोटेट कर जाता है, घूम जाता है ये, तो जब एयर जाती है। लेकिन अगर यहीं पर ही अगर लाइट जाए, आपने नोटिस किया अगर आप लाइट के सामने अगर फ़ैन रखेंगे, ये जो घूमने वाला जो फ़ैन है अगर आप इसको लाइट के सामने रखेंगे तो ये घूमेगा क्या, घूमेगा, नहीं घूमेगा ना। तो जो लाइट है, लाइट उसके सामने ये घूमा नहीं, लेकिन एयर के सामने ये फ़ैन घूम गया। ठीक है, एयर के सामने, तो वो पार्टिकल्स की बनी हुई होती है एयर्स। एयर जो होती है वो आपने वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आपने नोटिस किया है जो बैलून होता है आपका, उसके अंदर जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो वो फूल जाता है। तो एयर जो है वो मैटर है आपकी, और वो स्पेस और वॉल्यूम दोनों ही ऑक्यूपाई कर रही है। ओके, तो एयर में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मैटर की बनी हुई होती है एयर। तो इसमें मास होगा, एयर में मास होगा, ठीक है, तो क्योंकि ये पार्टिकल की बनी हुई होती है, यहाँ पर टकराती है तो फोर्स क्रिएट होता है, जिससे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फोर्स क्रिएट हो रहा है, और जो फोर्स पर यूनिट टाइम जो होगा, ठीक है, तो फोर्स इंटू टाइम मोमेंटम होता है। तो जो मोमेंटम है, आपका वो इससे क्रिएट हो रहा है। तो जो कैथोड रे है, तो इससे ये पता चला ये पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैन रख दिया हमने, ये रेज आ रही है, ये हमारा कैथोड है, कैथोड, और ये एनोड है। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ से रेज आ रही है, और ये यहाँ पर इस पर मोमेंटम क्रिएट कर रही है, इसकी वजह से ये घूम रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला है पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट से, ये पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला वो कैथोड रे मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे तीन एक्सपेरिमेंट हो गए। एक्सपेरिमेंट जो वन था उसमें क्या देखा कि कैथोड रेज निकल रही है। कैसे निकल रही है, क्योंकि वो जो जेड एन एस का जो फॉस्फोरेसेंट क्रिएट हो रही थी, जेड एन एस की कोटिंग थी हमारी सीआरटी ट्यूब पर, उस पर एक ब्राइट स्पॉट, एक इलेक्ट्रॉन से ब्राइट स्पॉट जनरेट हो रहा था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से एक स्पॉट बना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, एच प्लस में हाइड्रोजन गैस है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, हर एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपस में, ये ट्यूब से भी टकरा रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं, तो जो जेड एन एस की जो कोटिंग थी उससे जब टकराए तो ब्राइट स्पॉट जनरेट हुए बहुत सारे, तो एक चमक डेवलप हुई, तो उस चमक को ही फॉस्फोरेसेंट कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, जिजे थॉमसन ने किया क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्रॉस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि जो रेस थी वो कैथोड टू एनोड ट्रेवल कर रही है। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है,
फिर जो आपका पैडर व्हील एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने देखा जो रेज हैं वो जो है कैथोड रेज नाम रखा था पहले, तो पहले ही रख दिया कैथोड रेज नाम। फिर उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड रे हैं इनमें पार्टिकल का नेचर है, ठीक है, तो पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट की, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इन्होंने देखा जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो कैथोड से निकलने वाली जो रेज पॉजिटिव चार्ज की पर अट्रैक्ट हो रही है। तो इन्होंने इस बात से ये ऑब्जर्व किया कि रेज बेंट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट हो रही है जो रेज कैथोड से निकल रही है, ये कैथोड है। ये जो है ये कैथोड है और कैथोड से ही रेज निकल रही है, ठीक है, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट की है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, बेंट हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन आया यहाँ पर रेज बेंट टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो इससे जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, इससे जो कंक्लूजन निकला कि ये जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो अभी दूर भागेंगे, जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव के पास जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है पॉजिटिव की तरफ, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, कैथोड रे। तो इस बात से एक कंक्लूजन निकला। तो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड करते हैं, गैसेज आर कंडक्टर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये, गैसेज आर कंडक्टर, ठीक है, तो लो प्रेशर पे होगी, हाई प्रेशर पे होगी, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड डीए लो प्रेशर एंड लो पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने जो मीडियम क्रिएट किया था सीआरटी में, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब में जो हमने मीडियम मतलब बनाया था कि गैसेस कंडक्टर कैसे होंगी, किस तरह गैस में हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकलवाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल एनर्जी पे मतलब इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ समझाऊँ, जैसे ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ओके, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट मान के चलिए आप, तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर को लॉ लगाऊँ, प्रेशर आपका अगर लॉ होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी होगा या टफ होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी होगा, अगर प्रेशर मैं हाई लगा दूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में ही रहना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में ही होगा, ठीक है, तो एटम में ही ऑर्बिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में ही रहना पसंद करेगा अगर मैं प्रेशर जो है वो हाई कर दूँ, तो यहाँ पर प्रेशर लो होना चाहिए, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो हाई होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा किसी एटम में से, किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो गैस को कंडक्टिंग नेचर का बनाएगा, ओके, तो कंडक्टिंग नेचर जो होगी वो प्रेशर लो होना चाहिए और एनर्जी हाई होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाई होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें से H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए गैसेस जो है वो कंडक्टर कब होंगे, लो प्रेशर पे एंड हाई एनर्जी होनी चाहिए, ओके, तो यहाँ पर गैसेस आर कंडक्टर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो आंसर है लो प्रेशर तो यहाँ पर लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, ओके, तो ये ऑप्शन होगा आपका। फिर क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रे ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो जो रेज हैं वो कैथोड टू एनोड
कौन सी रेस ट्रेवल करती है? ए ऑप्शन है एनोड रेस, बी ए कैनाल रेस, सी ए कैथोड रेस एंड डी नॉन ऑफ द एवर। तो इसमें से कौन सी ऐसी रेस हैं जो कैथोड टू एनोड मूव करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं? तो सीआरटी में हम लोगों ने क्या स्टडी की थी, जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड टू एनोड मूव करती हैं। कैथोड आपको पॉजिटिव चार्ज था और एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज था। तो जो रेज हैं वो कैथोड टू एनोड मूव कर रही थी, ठीक है? तो कैथोड रेज है यहाँ पर ऑप्शन में, ओके। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, जो क्रॉस एक्सपेरिमेंट हमने किया था वो क्या सजेस्ट करता है? क्रॉस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, क्रॉस को रख दिया था सीआरटी में, लॉकेट जो है आपका जो क्रॉस शेप में होता है उसको सीआरटी में आपने रख दिया, ठीक है? तो जे.जे. थॉमसन ने क्या देखा सीआरटी में रखने के बाद क्रॉस को, कि जो रेज हैं वो ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो रही है। बी ऑप्शन है रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड हो रही है। तो जो शेडो थी, शेडो वो एनोड पर पड़ रही थी, ओके, शेडो हमारी एनोड पर पड़ रही थी, तो यहाँ से रेज आ रही होंगी, ठीक है? कैथोड से तो रेज आ रही होंगी जब वो एनोड पर शेडो पड़ रही है लॉकेट की। तो क्रॉस की जब शेडो एनोड पर पड़ेगी तो रेज हमारी कैथोड टू एनोड आएगी। तो आंसर जो बी है ये राइट है, ठीक है? रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था हमने, तो जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थी, ठीक है? तो उसको हमने इलेक्ट्रॉन कह दिया, ठीक है? जो जे.जे. थॉमसन ने डिस्कवरी की तो उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन कहा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव जो प्लेट थी इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है? तो उसको जाहिर सी बात है उसका नेगेटिवली चार्ज होगी। तो उस रेस उस वाला जो इससे जो कंक्लूजन निकला किस एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट से, कि जो आपकी कैथोड रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं और उस वो जो पार्टिकल नेचर तो होता ही है, और जो पार्टिकल नेचर है उस पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन कह दिया। तो आपके ये कुछ और भी साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे आपके मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है? मुलिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल तो हमने कह दिया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है? एक्सपेरिमेंट से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ये जो सी है वो कूलाम है, ये निगेटिवली चार्ज होती है, ओके, निगेटिवली चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो यहाँ पर जो है इतना चार्ज होता है, ये चार्ज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें ये मिला कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, निगेटिवली चार्ज होता है और 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ठीक है? जे थॉमसन ने हमें स्पेसिफिक चार्ज रेशियो दिया था जो कि ई अपॉन एम है ये आपका। तो ये जो ई है वो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ये एम है ये स्मॉल एम से जो डिनोट किया गया है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ई अपॉन एम जो ये रेशियो लेते हैं ई अपॉन एम का, उसको स्पेसिफिक चार्ज रेशियो या एस सी आर भी कहते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो ये हमें जे.जे. थॉमसन ने बताया था। तो इसकी जो वैल्यू है वो 1.76 × 10⁻¹⁹ कूलाम पर केजी है, ठीक है? तो ये वैल्यू है 1.76 × 10⁻¹⁹। ये दोनों वैल्यू आप याद रखिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, और यहाँ पर ई अपॉन एम की वैल्यू ये है 1.7 × 10⁻¹⁹, ओके, कूलाम पर केजी। तो ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे तो इससे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ई अपॉन एम में यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ई अपॉन एम है, ठीक है? तो हम इसकी वैल्यू हमें दी है 1.76 × 10⁻¹⁹, ठीक है? ये वाली वैल्यू दी है हमको। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हम मास
निकाल लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ है। ये दोनों वैल्यू पुट कर कर हम मास निकाल लेंगे, तो मास कितना आता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। किलोग्राम में निकालेंगे तो इतना है, और अगर हम ग्राम में निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास, वन इलेक्ट्रॉन का मास है ये आपका, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई है, और वन इलेक्ट्रॉन का जो ई अपन एम है वो स्पेसिफिक चार्ज जो रेशियो है वो इतना है, ठीक है। तो इंटू 10⁻²⁸ ग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये आएगा आपका, तो यहाँ पर कूलाम पर केजी है ई अपन एम, इसको याद रखिएगा, उसको याद रखिएगा, इससे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा 9.1 × 10⁻³⁹ kg, ठीक है। तो आप ये वाली बात याद रखिएगा। तो जे जे थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बताया था, उन्होंने हमें ई अपॉन एम रेशियो दे दिया, ओके, ई अपॉन एम रेशियो दे दिए इन्होंने हमें, और इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज बताया था वो अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया था, अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, तो इन्होंने हमें चार्ज बता दिया। तो उससे हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर कर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 9.1, ये जो है 9.1 × 10⁻³⁹ kg, ठीक है। तो हमें ये यहाँ से ये मिल गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा, जो जे जे थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रॉन को बताया डिस्कवरी करके कि इलेक्ट्रॉन कैसे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये आपका। तो इसकी जो डिस्कवरी की, डिस्कवर बाई जे जे थॉमसन, ओके। और इसका ई अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जो दिया है वो मुल्किन ने दिया है, मुल्किन साइंटिस्ट ने दिया। इसकी जो वैल्यू है वो है 1.76 × 10⁻¹⁻ kg पर कूलाम पर kg होगा, क्योंकि ई अपॉन एम है, ओके, ई अपॉन एम ही यहाँ पर, ई अपॉन एम है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कूलाम पर केजी, ओके। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग, कूलाम चार्ज की यूनिट है और मास जो है, जो केजी है वो मास का यूनिट है, ठीक है, किलोग्राम। और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, CRT का एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड ट्यूब, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। और इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, ओके। और यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम, ओके। और किलोग्राम में भी हमने आपको वैल्यू बता दी है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सब बातें आपको याद रखनी है, ओके। तो हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई है, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है इसको सिंपली एक चार्ट के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है, रिमेंबर करनी है आपको। ये जो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इलेक्ट्रॉन का, इसको पूरा को आप याद कर लीजिए, तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, 9th क्लास के छोटे छोटे जो मतलब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप देख लीजिएगा। और ये वैल्यू तो आपको याद ही करनी है, इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल यूनिट है आपका एटम का। तो यहाँ पर ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद न्यूक्लियस पर भी स्टडी करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस किस तरह डिस्कवर हुआ तो वो भी देखेंगे, ओके। तो ये आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, एलर्ट क्लासेज है ये, और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, ये फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं आप हमें, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन है वो हम लोग पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। जैसे आपको आपने क्वेश्चन किए ये सारे क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपने एक बुक में
आपने कोई भी आप बुक लगा रहे हैं तो आपने उसमें क्वेश्चन की अच्छे से, ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वैसे होगी नहीं लेकिन फिर भी होती है क्योंकि स्टडी करते हैं तो उस बीच में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन करके तो हम रिप्लाई करेंगे आपके आंसर का, तो आप इजीली समझ सकते हैं फिर ये सब। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।